गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 3 फूड एंड हेल्थ फॉर क्लास 5। इन दिस चैप्टर मेनी कंसेप्ट दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड आवर हेल्थ। चैप्टर नेम इज फूड एंड हेल्थ। इस चैप्टर का नाम है फूड एंड हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ से रिलेटेड फूड के बारे में जानेंगे, हाउ टू आवर हेल्थ परफेक्ट और फिट। एट फर्स्ट फूड, सबसे पहले देखेंगे फूड क्या है। फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडीज। फूड जो है वो हमारी बॉडीज का फ्यूल है। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इसका क्या महत्व है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। सेकेंड, सम फूड प्रोडक्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। थर्ड, न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड स्टे फिट एंड हेल्दी। कुछ ऐसा फूड है जो हम लोग को बीमारी से बचाता है, बीमारी को होने से बचाता है, उससे रोकता है। न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही आवश्यकता है। ये हमारे बॉडी को फिट रखता है और स्वस्थ रखता है, और काम करने के लिए जो एनर्जी देता है वो फूड है। कंपोनेंट ऑफ फूड, अब हमको देखना है कि फूड का क्या क्या कंपोनेंट है, इसमें क्या मिले हुए हैं, क्या क्या ऐसा एसेंशियल सब्सटेंस है। देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। 5 मेन कंपोनेंट हैं, एसेंशियल सब्सटेंस हैं जो हमारे फूड के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इस कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स, फूड ऑल्सो कॉन्टेन्स रफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा फूड जो है वो देता है रफेज और वाटर को। ये भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए, खाना को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। फूड दैट कंटेन्स शुगर और स्टार्च आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज एनर्जी गिविंग फूड, ये एनर्जी देने वाला फूड है। एग्जाम्पल, राइस, पोटैटो, स्वीट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प टू मेक न्यू सेल्स। हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, जिसको बनाने वाला प्रोटीन है। इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारे बॉडी को बनाता है, बॉडी के नए सेल को रिपेयर करता है और बनाता है। एग्जाम्पल, पल्सेस, मीट, फिश, सोया, एग्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ जो है इसमें, पल्सेस में, मीट में, फिश में, सोया में, एग्स में, ये सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थर्ड नंबर, फैट्स। फैट्स गिव अस एनर्जी ए वार्मथ। फैट जो है एनर्जी के साथ साथ हमारे शरीर को गर्मी भी देता है। इट इज़ एनर्जी गिविंग फूड, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। एग्जाम्पल, बटर, घी, ऑयल्स, चीज़ एक्सेट्रा। विटामिन्स, विटामिन्स कीप अस हेल्दी। विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी नहीं है। इसको प्रत्येक दिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाना चाहिए। एग्जाम्पल, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश एंड एग्स एक्सेट्रा। इट इज़ प्रोटेक्टिव फूड, इस न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। इट मीन्स ये किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में आने से, होने से बचाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड सोडियम आर नीडेड इन ए स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ये सब मिनरल्स जो हैं वो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए। दे हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ एंड ब्लड हेल्दी। ये हमारे बोन्स को, दांत, टीथ को और ब्लड को स्वस्थ रखता है। एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। ये सब मेन सोर्स है मिनरल्स का। रफेज, रफेज इज अ फाइबर, हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन एन ईजी मैनर। हमारे शरीर में डाइजेशन के बाद कुछ ऐसा अनडाइजेस्टेड वेस्ट रहते हैं जिसको बॉडी से बाहर निकालना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसको बाहर निकलने में मदद करने वाला रफेज है, वो हेल्प करता है इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में। जो हमको प्राप्त होता है, मिलता है रफेज से, जो एक तरह का फाइबर है जो प्लांट सेल से प्राप्त किया जाता है, और ये प्लांट सेल जो है वो हम लोग के फूड आइटम में, बहुत सारे आइटम में है, जिससे हम लोग, जिसको हम लोग खाते हैं और ये रफेज को मेंटेन करते हैं।
Fruits and vegetables, whole grains, etc. are main sources of roughage. Fruit और vegetable जो है वो main source है roughage का. सलाद के रूप में हम लोग को खाना चाहिए whole grain. जो अनाज जो है वो साबुत अनाज खाते हैं तो उससे roughage की प्राप्ति होती है. Water, it regulate our body temperature. It is essential for proper body functions and to stay hydrated and healthy. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और प्रॉपर बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन है उसको सही से होने के लिए मदद करता है वाटर, जिससे हमारा शरीर हाइड्रेटेड होगा और हेल्दी रहता है. नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं? एट फर्स्ट वी हैव टू नो डाइट एंड बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइट एंड बैलेंस्ड डाइट? डाइट द फूड दैट वी ईट. खाना जिसको हम खाते हैं उसको बोला जाता है डाइट. But balanced diet, a diet containing right quantities of all nutrients is called a balanced diet. कोई भी diet जो होगा वो right quantities, जो हमारी body को जितना चाहिए उतना ही मात्रा में अगर हम सारे nutrients को लेंगे तो उसको बोलेंगे balanced diet. Importance of balanced diet, first किस तरह के person को कौन सा nutrients लेना है इसका. फर्स्ट है, फिजिकल लेबरर नीड्स अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. जो लेबर, जो मनुष्य फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट का. ग्रोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे बढ़ने वाले हैं, नीड टू हैव अ डाइट रिच इन प्रोटीन. उनको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए. एडल्ट्स हु हैव सिटिंग जॉब नीड डाइट दैट हैज लेस फैट और कार्बोहाइड्रेट. और जो पर्सन, जो एडल्ट जिनका जॉब बैठ के करने वाला है, जो ज़्यादा टाइम अपना सिटिंग में बिताते हैं, सिटिंग से काम करते हैं, बैठ के जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर ज़्यादा मात्रा में वो लेंगे तो उससे उनके बॉडी का पोस्चर जो है वो अनफिट होगा, वो बैड पोस्चर होगा. फोर्थ, एल्डरली पर्सन्स नीड अ लो फैट हाई फाइबर डाइट स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल एंड मिल्क. जो पर्सन बड़े हैं, जो जिनका एज ज़्यादा है, उस तरह के पर्सन के लिए लो फैट हाई फाइबर, उनको चाहिए फैट बहुत कम मात्रा में और फाइबर वाला खाना जो है न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए. और स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल्स और मिल्क जो है ये इनके लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट, जंक फूड. फूड आइटम्स दैट हैव लो न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कंटेन हाई शुगर एंड फैट आर टर्म्ड एज जंक फूड. वैसा फूड आइटम जिसमें लो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी मात्रा में नहीं होता है, और जो हाई शुगर जिसमें ज़्यादा शुगर हो, फैट हो, इस तरह के फूड आइटम को बोलते हैं जंक फूड. एग्जाम्पल, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस मेड फ्रॉम मैदा, पोटैटो चिप्स, शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो हैं ये जंक फूड के अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं जंक फूड के अंदर. वेज टू मेक डाइट मोर हेल्दी, वी शुड. हमको किस तरह से अपने डाइट को हेल्दी बनाना है? फर्स्ट है, अवॉइड ओवर कुकिंग द फूड. खाना को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए. यूज लेस शुगर सॉल्ट एंड ऑयल व्हाइल कुकिंग फूड. और उसमें कम चीनी, कम नमक और कम तेल में खाना पकाना चाहिए. यूज होल ग्रेन्स इन प्लेस ऑफ पॉलिश्ड सीरियल्स. हम लोग को पॉलिश्ड अनाज की जगह होल ग्रेन्स यूज करना चाहिए. ऐड फाइबर टू आवर डाइट. और फाइबर को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए. फिर यूज द मेथड ऑफ स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन टू इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू. न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन जो है वो हमारे डाइजेशन को मदद करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. इस तरह का फूड आइटम्स है ढोकला, डोसास, इडलीज एक्सेट्रा. डिजीज रिलेटेड टू फूड हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल. बहुत सारे डिजीज है जो हमारे फूड हैबिट से रिलेटेड है और हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, ओबेसिटी कॉज ड्यू टू ईटिंग फूड हाई अमाउंट ऑफ फैट्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ईटिंग जंक फूड. सेकेंड नंबर, हाई ब्लड प्रेशर लाइफ स्टाइल डिजीज, ये भी है कॉज. इसका कारण है ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न. अनहेल्दी फूड आइटम्स खाने से ये होता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, उसमें कमी हो, तो ये बीमारी होता है. स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी जो है इसका कॉज है. थर्ड, डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिजीज है कॉज ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट गेन. नेक्स्ट, डेफिशियंसी डिजीजेज. फर्स्ट, क्वासी कॉर प्रोटीन डेफिशियंसी डिजीज है ये. इसका सिम्टम है फैटिक, डायरिया,
फेल टू गेन वेट, स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, ड्राई स्किन। और इसका प्रिवेंशन है डाइट रिच इन प्रोटीन, पल्सेस, एग एंड मीट ETC। ऐसा डाइट लेना है जिसमें जो प्रोटीन रिच हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जो। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज मैरास्मस, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें दोनों डेफिशिएंसी होता है। क्रोनिक डायरिया, इसका सिम्टम है बहुत पुराना डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लूज एंड फोल्डेड स्किन एक्सेट्रा। और प्रिवेंशन हो सकता है डाइट रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल मिल्क, सीरियल्स, मीट एक्सेट्रा। थर्ड, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। पर्सन इज नॉट एबल टू सूट टू शी ड्यूरिंग नाइट और इन डिम लाइट। इसका सिम्टम है कि पर्सन जो है वो कम रोशनी में और रात में देख नहीं पाते हैं। इट ए लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, पपाया, कैरोट, एग योक इज रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। और इसका है कि विटामिन ए खाने से हम लोग को इस तरह की बीमारी जो है वो क्योर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया विटामिन ए डिफिशेंसी का, विटामिन ए का सोर्सेज है पपाया है, कैरोट है, ये सब बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। रिकेट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, सिम्टम ट्विस्टेड और बेंट लेग्स, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, नॉक नीच। इसका प्रिवेंशन हो सकता है सनलाइट, मिल्क प्रोडक्ट एंड सॉल्ट वाटर फिश। सनलाइट जो है वो नेचुरल है सोर्स रिकेट विटामिन से बचने के लिए और विटामिन डी के सोर्स का। नेक्स्ट, 5 नंबर, एनेमिया, डेफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से ये बीमारी होता है। इसका सिम्टम्स है पर्सन लुक्स पेल एंड गेट्स टायर्ड इजली, पर्सन देखने में पीला लगता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है। प्रिवेंशन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, ग्वाभा, बनाना, ये सब जो है ये सोर्सेज हैं विटामिन आयरन के। स्कर्वी, डेफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, स्वेलिंग ऑफ गम्स विच ब्लीड फ्रिक्वेंटली, इसमें गम्स में स्वेलिंग होता है और ब्लीडिंग होता है। इट लॉट्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन, आमला एक्सेट्रा। बेरी, विटामिन बी डेफिशियंसी, मसल्स एंड नर्व्स, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, मसल्स और नर्व जो है वो टायर्ड हो जाता है और एनर्जी की कमी होती है। ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, स्प्राउट्स, ये सब जो है सोर्स है बेरी का। नेक्स्ट, ग्वाइटर, डेफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। स्वेलिंग इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ नेक, इसमें नेक के फ्रंट पोर्शन में स्वेलिंग होता है, वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और इसका प्रिवेंशन है आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड एक्सेट्रा, ये सब आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, ये सब खाने से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ग्वाइटर जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। फूड एडल्ट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ अनवांटेड एंड अनसेफ सब्सटेंसेस इन द फूड आइटम्स। कोई भी अनवांटेड और अनसेफ जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसको अगर किसी खाने के आइटम में मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। द अनवांटेड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडल्टरेंट्स। सच अ चीप एंड लो क्वालिटी ऑफ नॉन एडिबल सब्सटेंस एडेड टू द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में चीप, सस्ता और बहुत निम्न कैटेगरी का जब खाने का सामान जो है पदार्थ को मिला दिया जाता है और वो खाने का आइटम जो है वो खराब हो जाता है, वो हमारे लिए कोई अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता है और उससे बहुत सारा डिजीज है जैसे कैंसर है, ये सब होने का रहता है। जैसे मिल्क है, वेन मिल्क इज एडेड टू इम्प्योर वाटर, ऑयल इज एडेड टू many toxic oils and spices is added to many artificial powders and seeds of other fruits. In this way, इस तरह से हम देखते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन जो है वो बहुत ही हार्मफुल है हम लोग के हेल्थ के लिए। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड।